हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ETH। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सर्किट एक लेके आया हूँ जो एक स्मॉल सेल से आपका मोबाइल चार्ज करेगा। ये इसकी पार्ट्स लिस्ट है। तो आजकल की कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, हम पावर बैंक भी अपना पूरा यूज़ कर लेते हैं और मोबाइल चार्ज करने के लिए हमें कोई जगह या स्लॉट नहीं मिलता है। तो आज जो सर्किट मैं लाया हूँ वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किया है उसका पिन आउट है, इसे आप ध्यान से नोट कर लें। ये सर्किट इसमें हमने बनाया है। तो दोस्तों, 1.5 वोल्ट का सेल आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल है, तो जिससे बड़ी आसानी से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक फेरेट कोर जो आपको किसी भी ख़राब CFL ट्यूबलाइट में आसानी से मिल जाएगी। तो उसके ऊपर आपने पहले जो 5 टर्न आपने देना है वो 24 AWG वायर का देना है, और सेम डायरेक्शन में आपको 6 टर्न देना है 30 AWG वायर का। ये एक मैग्नेटिक वायर है या कॉपर वायर जिसके ऊपर इंसुलेशन रहता है, या आपको किसी भी मोटर वायरिंग वाली जो शॉप है वहाँ आसानी से मिल जाएगी, और बहुत ही छोटे छोटे पीस आपको इसके चाहिए। दोस्तों, मेरा पूरा सर्किट जो बनके रेडी है, ये एक मैंने 0B बोर्ड के ऊपर असेंबल कर लिया है पूरा सर्किट जो मैंने पहले आपको सर्किट दिखाया है। तो पूरा सर्किट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक 100 ओम का रेजिस्टेंस जो है मैंने एक नीचे लगाया है और एक ऊपर लगाया है। अगर हम दोनों को पैरेलल में करते हैं तो 50 ओम का रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि मुझे 50 ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिला। अगर 200 ओम का रेजिस्टेंस को हम आपस में पैरेलल में लगा देते हैं तो 50 ओम का काम करेंगे। तो इसलिए मैंने एक 100 ओम ऊपर और एक नीचे की तरफ लगा दिया है। ये बैटरी का होल्डर है। तो अब इस सर्किट को पूरी तरह से मैं इसके ऊपर जो इसका बैटरी का सेल का जो होल्डर है 1.5 वोल्ट सेल के लिए जो, उसके ऊपर लगा के फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जो इसमें जेनो डायोड मैंने लगाया है वो वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, जो मोबाइल को एक्यूरेट 5.1 वोल्ट देगा। तो चलिए अब इसके वोल्टेज भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक USB वायर जो मैंने एक तरफ से काट लिया है मल्टीमीटर पे इसके वोल्टेज चेक करने के लिए। तो मोबाइल को जो 5.1 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो इसमें जो वोल्टेज 5.1 समथिंग है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अभी मैं आपको मोबाइल भी इस पर लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखें, जो हम 1.5 वोल्ट का जो बैटरी सेल इसके साथ यूज़ करते हैं उसके एम्पियर इतने ज़्यादा नहीं होते, अप्रोक्सीमेट 1000 mA के आसपास होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। और दोस्तों, दूसरी बात कि हमारा मोबाइल कितना चार्ज होगा ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आपके मोबाइल की बैटरी कितनी एम्पीयर की है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो ऐसे टाइम में ये सर्किट आपके लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि 1.5 वोल्ट का जो बैटरी सेल है इजिली कहीं भी अवेलेबल आपको हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी आपको सर्किट के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। बहुत जल्द मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।